जय हिंद। बिहार संस्कृत रंजन अकेडमी से मैं अभय ऐसा तमाम साथियों के साथ करते हैं। जैसे कि अभी SSC GD का प्रिपरेशन चल रहा है, बच्चा सब तैयारी कर रहा है, उसको कैसे रनिंग करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है जिससे सीन पेन वगैरह ना पकड़े। पैर में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, जैसे एंकल पकड़ रहा, थाई पकड़ रहा, आगे का जो खिली है वो पकड़ रहा। ये सब से बचने के लिए कैसा एक्सरसाइज किया जाए और बेहतर तरीका क्या होगा जिससे चलते आपका रनिंग हो, चाहे रनिंग के बाद आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, रनिंग एक दो रन मारते हैं तो सांस फूल जाता है और हैंड लॉक हो जाता है। इस सब के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और वो एक्सरसाइज बेहतरीन ढंग से होना चाहिए, नहीं कि कोई आपका प्रशिक्षक करा रहा है उससे आप अनुकूल नहीं, उसके विपरीत दिशा में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तमाम साथियों जो कि डिफेंस लाइन में जाना चाह रहे हैं, SSC GD में जाना चाह रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन होना चाहिए। आप उस अनुशासन के प्रति एकाग्रता बनाए रखिए जिसके चलते आप वहाँ जाए तो आपका सब कुछ विचार वैकल्पिक सब कुछ बेहतर हो। इसलिए आप सभी जैसे आपका प्रशिक्षक करा रहा है उस अनुसार कीजिएगा तो वहाँ का जो आपका गाइडर होगा वो आपको बहुत सहूलियत मिलेगा वहाँ जाके। और ये एक्सरसाइज में क्या, सबसे पहले ये जो हम लोग जब रनिंग करके रुकते हैं तो आप जितने भी साथी हैं रनिंग करके रुकिए नहीं, आप कम से कम 1 किलोमीटर 500 उतना टहलने के बाद ही रुकिए, चाहे पानी वगैरह लीजिए, तुरंत आप रुकते हैं और आके पानी पीने लगते हैं। ये सबसे छोटा छोटा जो गलती है उसको बस के रहिए, तभी जाके आपका आगे का जो रणनीति है, जो आपका सपना है वो साकार हो सकेगा। और सब रही बात कि आप जब रनिंग करते हैं तो पैर को पूरा नीचे फ्लैट नहीं रहा, हल्का पंजा पर रखिए और 0 से 45 डिग्री पर रनिंग को भी उठाना। तो इसलिए रनिंग का जो तरीका है, पहले तो एक्सरसाइज होना चाहिए बेहतर कि ये थाई वगैरह ना पकड़े, जैसे अभी हमारे प्रशिक्षक द्वारा एक्सरसाइज कराया जा रहा है। आप ये एक्सरसाइज बेहतरीन तरीका है एक्सरसाइज का, वो प्रॉपर ढंग से कहीं भी आप रह के तैयारी कर सकते हैं। उसको आप लोग ये देखिए, वीडियो के माध्यम से देखिए कैसे एक्सरसाइज करना है रनिंग के बाद, जिससे थाई हो, एंकल हो और जिससे सांस ना फूले, ये जो गला सूखता है वो ना हो, ये सब कुछ उस एक्सरसाइज में आपको दिखाया कराया जाएगा। आप देखते रहिए। क्रॉस कीजिए, हैंड वेक ऊपर जाएगा, टच डबल हैंड टो टच, हैंड का कलाई टच होगा, घुटना सीधा रहेगा सबका, डो नीचे से
दोनों पैर उठाना।